जय बाबा शेरे शाह जी, जय बाबा मुराद शाह जी, जय बाबा लाडी शाह जी। बापू जी के पास एक और बच्चा भी रहता था जिसका नाम था मोहन, जो उनका रिश्तेदार था। मोहन भी उनका मुरीद बनना चाहता था और उनकी पीढ़ी में आगे चलना चाहता था, पर चलता वही है जिसे गुरु खुद चुने और जिसका गुरु के लिए पूरा समर्पण हो। बापू जी रोज अपने शरीर पर दवाई लगाते थे, क्योंकि एक बार बापू जी ने अपने आप को आग लगा ली थी जब उन्हें विवाह के लिए जोर लगाया गया था। बापू जी अक्सर आवाज लगाकर मोहन और साईं जी को पास बुलाते। पहले मोहन को पूछते, तू कौन है? मोहन कहता था, मैं आपका बच्चा हूँ। उसमें रिश्तेदारी का घमंड था। बापू जी कहते, फिर ये दवाई जो हाथ पे लगी है इसको चाट के दिखाओ। मोहन डर जाता और मना कर देता। बापू जी फिर साईं जी को पूछते, लाडी तू कौन है? साईं जी कहते, आपके दर का दरवेश। बापू जी कहते, फिर यह दवाई चाट। साईं जी ने चाटने लग जाना। साईं जी को ऐसे लगता जैसे वह आइसक्रीम खा रहे हो। अक्सर जब भी साईं जी बापू जी के डेरे से बाहर जाते तो उनकी आज्ञा लेकर जाते, और जब वापस आते तब बाहर आकर एक आवाज देते, बापू मैं आ गया। जब तक बापू जी ने आजा अंदर नहीं कहना, तब तक साईं जी डेरे के बाहर खड़े रहते, फिर चाहे रात हो जाए या सवेरा। कभी कभी बापू जी गर्मियों के दिनों में लकड़ी की पौड़ी छत से लगा लेते और नीचे रेत बिछवा देते। रेता गर्मी के कारण गर्म होता था। फिर उन्होंने पहले मोहन को आवाज लगानी और पूछना, मोहन तू कौन है? मोहन ने कहना, आपका बच्चा। बापू जी ने कहना, फिर पौड़ी चढ़, पर उल्टी चढ़नी है। मोहन ने कहना, बापू जी मैं गिर जाऊंगा, और मना कर देना। फिर बापू जी ने साईं जी से पूछना, लाडी तू कौन है? साईं जी ने कहना, आपके दर का दरवेश। फिर बापू जी जे बोलते, ये पौड़ी चढ़, पर उल्टी। साईं जी ने पहले अपने गुरु बापू जी को माथा टेकना, फिर पौड़ी के पीछे से टांगे फंसा फंसा कर चढ़ने लग जाते। जब ऊपर तक पहुंच जाते तब बापू जी लात मारते और साईं जी रेते पर गिर जाते। जब साईं जी उठने लगते तब बापू जी कहते, पड़ा रह। साईं जी अपने गुरु की आज्ञा समझ कर लेते रहते। लोगों को देखकर जुल्म लगता था, पर साईं जी को ऐसा लगता जैसे वह ठंडे घास पर पड़े हों। साईं जी एक बड़े जैलदारों के परिवार से थे, और एक बार गुरूर में आकर वह किसी से यह बात कह बैठे, तब बापू जी ने चौक में कांच की बोतल पत्थर पर मारी, कांच बिखर गया। बापू जी कहते, चल लाडी आज तेरा नाच देखें। लोगों ने बापू जी से माफी देने के लिए प्रार्थना की, पर बापू जी बोले, इसमें से जैलदारी की बू निकाल रहा हूँ। नाच नचाने वाला भी कैसा होगा और नाचने वाला भी कैसा होगा। फकीरी बहुत मुश्किल है, कोई लाखों में से एक ही गुरु के रास्ते पर संपूर्ण चल सकता है, और जो चल जाता है वो सब पा जाता है। ऐसे ही समय निकलता रहा। एक बार साईं जी की नजर थोड़ी कमजोर हो गई और एक डॉक्टर उनका चश्मा बनाने के लिए गया। बापू जी ने डॉक्टर को कहा, मशीन बाहर ले जाओ, ये आँख यार की है, उसकी मर्जी है इसे देखने दे, उसकी मर्जी है इसे अंदर से देखने दे। साईं जी 16 साल बापू जी के पास रहे और उनकी संपूर्ण आज्ञा का पालन करके उनके सबसे प्यारे बन गए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आप कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी, और बाबा मुराद शाह जी और लाडी साईं जी के इतिहास के बारे में और जानने के लिए अगली वीडियो का इंतजार करें। हम बहुत जल्द ही वीडियो नंबर 7 लेकर आएंगे। आप इस पेज पर जुड़े रहे और वीडियो 7 जरूर देखें, और बाबा जी के इतिहास के बारे में और जानें, और वीडियो को लाइक और आगे शेयर भी करें। जय साईं जी। साईं जी आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें।